जय हिंद भाई सभी को। तो भाई कैसे हो सभी, उम्मीद करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो टेरिटोरियल आर्मी की अभी भर्ती आने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है। और मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें मतलब फिजिकल पहले होगा या फिर आपका एग्जाम पहले होगा, तो वो वीडियो आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और इसके ऊपर ना अभी प्रेजेंट टाइम बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं कि टेरिटोरियल आर्मी में फिजिकल पहले होगा या फिर एग्जाम पहले होगा। मैंने उसमें आपको बताया था कि आपका फिजिकल पहले होगा, लेकिन इसमें अभी जो वीडियो आ रही है यूट्यूब पर प्रेजेंट टाइम में, बहुत सारे भाई बता रहे हैं कि इसमें आपका पेपर पहले होगा, मतलब एग्जाम पहले होगा। तो भाई मुझे जो बताया था ना, मुझे कमेंट भी आए थे कि भाई आपको कहाँ से पता चला, आपको ये अपडेट कौन दे रहा है। तो मुझे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि टोटल आर्मी में पहले आपका जो है फिजिकल होगा। तो भाई देखो, मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें फिजिकल पहले होगा, और अभी प्रेजेंट टाइम मैंने बहुत सारे भाई नोटिफिकेशन लेकर आए यूट्यूब पे, मतलब उन्होंने नोटिफिकेशन भी दिखाया कि जो टोटल आर्मी का नोटिफिकेशन आ चुका है। भाई देखो, मुझे अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं मिला है। जब तक मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा, आपको वीडियो नहीं बनाऊंगा यार। मतलब बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं, नोटिफिकेशन खुद से एडिट करके बना देते हैं। भाई एडिटिंग का जमाना है, तो भाई विश्वास मत करना जब तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिले, मतलब इसका ऑफिशियल लिंक उसमें नहीं मिलेगी टोटल आर्मी की, तो आप समझ लेना कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो भाई सिलेबस में इसका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें 50 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो मतलब 50 × 2 तो 100 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाता है एग्ज़ाम। अब उसमें जो है 50 प्रश्न जो आते हैं आपके, उसमें से 15 प्रश्न GK, 15 प्रश्न GS और 15 प्रश्न मैथ के और 5 रीजनिंग के आते हैं। मतलब GK मतलब जर्नल साइंस और GS जर्नल, GK मतलब जर्नल नॉलेज और GS मतलब जर्नल साइंस, मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग के आपके 5 प्रश्न आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके के आते हैं। GK आपका आता है ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन GS है वो 10वीं 11वीं लेवल का जो आपका आता है, 10वीं 11वीं की बुक है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, और आप बुक ले लेना अच्छी से, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। और मैथ है जो आपका कम्प्लीटली 10वीं लेवल का आता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है और उसमें अप्लाई करते हैं वो 10वीं के बंदे करते हैं, 10वीं के आसपास का आपको सिलेबस इसमें मिलता है। और 5 प्रश्न जो रीजनिंग का आते हैं बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका अटैम्प हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो कम्प्लीट आपको मैंने बता दें इसका एग्जाम सिलेबस, और एग्जाम के बाद अभी जो एग्ज़ाम आएगा, मतलब नोटिफिकेशन जब आएगा और कम्प्लीट उसका हो जाएगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम सिलेबस मैंने आपको बताया ना, अभी तक मतलब 4 साल हो गए आर्मी का, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। और उससे पहले जो मतलब एग्जाम सिलेबस था ना, वो बिल्कुल सेम यही था। और जो अपडेट होगा, जैसे मान लें आती है नोटिफिकेशन आती है भर्ती का, तो कोई थोड़ा बहुत अपडेट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका अपडेट होगा, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा है, और भर्ती आपकी जो है लास्ट अक्टूबर नवंबर तक आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, या फिर 2024 के शुरू में आपको भर्ती 100% मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी TA के बारे में, और एक वीडियो और डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना। और कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट कर देना, कमेंट का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। और फिर भी वहाँ से जवाब नहीं मिलता तो स्क्रीन पर जो आपको जीमेल आईडी दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, फोटो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सेना।